डियर स्टूडेंट, इस स्मार्ट ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। यह आपका अंग्रेज़ी का क्लास 12th है। पहला लेसन हम लोगों ने आपसे पिछली वीडियो में 8 पार्ट में पढ़ा था, द लास्ट लेसन था। आज ये दूसरा लेसन है फ्लेमिंगो का, जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग, और अनीस जंग की लिखी हुई ये कहानी है। ये उन बच्चों की कहानी है जो हालात की वजह से या जिनकी तंगी, जिनकी परेशानी उनका बचपन उनसे छीन लेती हैं, और बचपन की वो खुशियाँ जिसकी मतलब हर बच्चे को उम्मीद होती है या हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में वो बचपन की जो खुशियाँ रहें वो उनसे छीन जाती हैं हालात की वजह से। मुफ्त साहिब आलम नाम के एक बच्चे की ये कहानी है, तो जो अपने मुफलिसी और मजबूरी की वजह से बहुत गिरा हुआ काम करता है, छोटा सा काम यानी कूड़ा बिनने वाला काम। कहानी में हम लोग आगे पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा बोल भी नहीं सकते हैं, लंबी वीडियो हो जाए। कहानी शुरुआत होती है कि व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब। ये राइटर ने बताया कि मतलब मैं यानी ये काम तुम करते क्यों हो, कौन सा काम है आगे अभी हम लोगों को मालूम हो जाएगा। आई एवरी मॉर्निंग वो माई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग इज क्राउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। बताया राइटर ने कि मैंने साहिब आलम से, जिससे रोज़ाना मेरी मुलाकात हो जाती थी, कहाँ पर मुलाकात होती थी, पड़ोस के पास के पड़े हुए जो गार्बेज यानी कूड़े का जो ढेर है वो उसमें गोल्ड तलाश कर रहा होता था। गोल्ड से मतलब यहाँ पर पैसा है कि उसमें पैसा ढूंढ रहा होता था, तो वहीं उसको उससे मुलाकात होती है। तो उसने पूछा राइटर ने उस बच्चे से कि तुम ये क्यों करते हो। हिज होम लॉन्ग एगो, पहले बताया राइटर ने, अभी उसका जवाब नहीं मिला है। पहले उसने उस बच्चे के बारे में बताया जो साहिब यानी साहिब आलम नाम का जो बच्चा है, उसने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया। लॉन्ग एगो सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका रह के यानी ढाका एक जगह का नाम है बांग्लादेश की, वो है। तो बताया कि ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में स्थित हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब जो है उसके दूर दूर तक कहीं यादों में भी नहीं है, मतलब उसको कहीं नहीं याद है कि हाँ हम लोग यहाँ से पहले अब से कहाँ रहते थे, जबकि सच्चाई ये है कि ढाका के हरे भरे मैदान के बीच में उसका घर स्थित था और बहुत पहले उसने इस घर को छोड़ दिया। घर को क्यों छोड़ा, बताते हैं कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट डे देयर फील्ड्स एंड होम हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसको बताती थी कि घर इसलिए छोड़ा कि बहुत ज़्यादा वहाँ तूफान आते थे, स्टॉर्म्स आते थे, जो ने क्या किया इस घर को मतलब उस पुराने घर को जो ढाका में था उस घर को उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब जहाँ पर रहते हैं यहाँ बड़े शहरों में, यहाँ बड़े शहर में वो ऐसे ही कूड़े करकट में ढेर में जहाँ पर गंदगी का ढेर होता था उसमें वो पैसा ढूंढ रहे थे कि शायद कुछ सिक्का उक्का मिल जाए। तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। अब जब उससे सवाल पूछा गया था कि व्हाई डू यू डू दिस, इस काम को क्यों करते हो, अब उसने जवाब दिया, बोला क्या कि मेरे पास कोई के लिए मेरे पास नहीं है, इसलिए कब ही मटर्स माने बुदबुदा ऐसे धीरे से बोला। और लुकिंग अवे का मतलब निगाह में सामने न देखना, इधर उधर देखना, मतलब जिसको कहते हैं निगाह चुराते हुए। उसने निगाह चुराते हुए इस बात को कहा कि मतलब धीरे से बोला कि मेरे पास कोई काम नहीं और करने के लिए। गो टू स्कूल आई से गिलीबली। तो फौरन राइटर की होशियारी से उससे कहा कि दूसरा काम करने के लिए नहीं है तो स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन कहा फौरन राइटर ने कहा कि मुझे महसूस हो गया, फौरन महसूस हो गया इमीडिएटली कि मेरी ये जो राय थी उसको कितनी खोखली लगी होगी। हालो का मतलब खोखली, कि मेरी राय कितनी खोखली लगी होगी, कितनी बेदम ये राय लगी होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। उसके इस मशवरे के जवाब उसने जवाब दिया कि मेरे आस पड़ोस में कहीं कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कहा जब बन जाएगा तो आई विल गो, तो मैं जाऊंगा, जब कोई स्कूल खुल जाएगा जाऊंगा, अभी मेरे पास उसमें कहीं कोई स्कूल ही नहीं है, कहाँ जाऊँ। तो इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, तो राइटर ने कहा कि मतलब मैंने मजाक के अंदाज में उससे पूछा ऐसे हाफ जोकिंग कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत खुल के हंसते हुए बोला कि हाँ बिल्कुल आऊँगा। बोलता है कि हाँ ही सेज, वो कहता है कि आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। बताया राइटर ने कि कुछ ही दिन बाद मैंने उसको देखा अपने पास दौड़ कर आते हुए। वो दौड़ कर आया, बोलता आने के बाद योर स्कूल रेडी,
बोलता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया? तो राइटर ने जवाब दिया कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। क्या कहा कि देखो तैयार होने में बड़ा वक्त लगता है, इतना जल्दी नहीं हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा टेक्स लॉन्गर, ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। आई से इम्रान हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, उसने कहा कि मैंने कहा, लेकिन मतलब इम्रास का मतलब होता है घबराना या शर्मिंदगी महसूस होना, गिला नहीं होना, किस बात पर कि उस वादे को कर कर जिस वादे को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो यानी ऐसा वादा करने की वजह से कि मुझे जो है वो एम्ब्रासमेंट हुआ कि जिसको पूरा करना ऐसे आसान नहीं है। कहा कि भाई स्कूल खोलने के लिए पूछा था कि जब मैं स्कूल खोल दूंगा तो ठीक है आना तुम उसमें। बट प्रोमिसज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन उसने कहा कि ऐसे वादे जो किया था कि ये जो वादा मैंने किया था तो ये उसके जो उसकी दुनिया है यानी साहिब आलम जैसे बच्चों की जो दुनिया है, बोलता है कि बट प्रोमिसज लाइक माइन, कहा मेरे जैसे जो वादे थे जो मैंने किया था, अबाउंड इन वेरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसकी जो ब्लीक वर्ल्ड मतलब जो उसकी जो फीकी दुनिया है, जो अंधेरों से भरी हुई दुनिया है, उस दुनिया के हर कोने में ऐसे वादे जो है कहीं ना कहीं बिखरे पड़े रहते हैं। तो आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, तो कहा कि उसको के बाद यानी जब उसको जानते हुए काफ़ी दिन से उसको जानने लगे थे साहिब आलम को अच्छे से, राइटर जो है वो जानने लगा, तो उसने कहा इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड सॉरी आई आस्क हिम इज नेम, तो महीनों के जानने के बाद बताया क्या राइटर ने, एक दिन उससे उसका नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने बताया क्या, उसने मतलब अनाउंसेस मतलब जैसे उसने ऐलान किया कि मेरा नाम है साहिब, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, बताया उसने साहिब आलम नाम, लेकिन उसको पता नहीं कि इस नाम का मतलब क्या होता है, तो मतलब उसका नाम का मतलब क्या, इफ़ ही न्यू, और अगर वो जानता हो कि इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि अगर इसकी मीनिंग इस जो साहिब आलम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस यूनिवर्स का मालिक, वो हो गया साहिब मालिक, और आलम पूरी दुनिया, आलम का मतलब दुनिया होता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, इस पूरी ब्रह्मांड का मालिक, तो ही हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर वो जान जाता कि उसके नाम का मतलब मालिक तो शायद उसको इस पर यकीन करना, बिलीव करना मुश्किल हो जाता, तो उसको शायद बिलीव ना होता इस बात पर यानी अपने उस नाम की मीनिंग पर। अनअवेयर व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर का मतलब एकदम अनजान था, वो अनभिज्ञ था किससे, अपने नाम की मीनिंग से, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम प्रेजेंट्स, उसके नाम का क्या मतलब होता है, उसका नाम जो क्या जाहिर करता है, इससे ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट्स मतलब गलियों में घूमता रहता था, वो गलियों में घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, और कैसे बच्चों की पूरी फौज थी, बेयर फूट, बेयर का मतलब होता नंगे पांव वाले बच्चों की, हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो ऐसे दिखाई देते थे, मतलब बताया क्या कि वो नंगे पैर वाले बच्चों की ऐसी फौज जो सुबह चिड़ियों की तरह नजर आती थी, अपियर्स मतलब होता है उपस्थित होना, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ बोलता क्या है कि यानी आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, उसके बाद महीनों मिलने की वजह से, ओवर द मंथ कई महीने तक मिलने की वजह से, फिर आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, हम लोग एक दूसरे को पहचानने लगे थे। अब ये हम लोग सेकंड पैराग्राफ था, इसको यहीं पे रोक रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसके आगे की कहानी अगले वीडियो में।